हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 2 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का, ये सितंबर मंथ का असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। और अगस्त का भी मैं जो असाइनमेंट का सोल्यूशन वाला वीडियो है उसको अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके एक बार चेक कर लेना। अगर अभी तक उसको नहीं लिखे हो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको वीडियो को देख लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट साउंडेड एब्जर्ड टू आंट जान। आंट जान को कौन सा साउंड एब्जर्ड यानी पेक्यूलियर यानी अजीब सा लगा, ठीक है। तो उसका आंसर में आप लोग लिख सकते हैं, द इंस्टॉलमेंट्स फॉर ऑल द थिंग्स केम टू 7 pounds 8 shillings 8 pence ए वीक, बट हिज इनकम वॉज ओनली 6 pounds, सो द इंस्टॉलमेंट परचेज सीम्ड एब्जर्ड टू आंट जान। जब आंट जान को ये पता चलता है कि जो जैक और जिल के घर में जितने भी चीज़ें थी वो सब इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है, और जैक का पर वीक इनकम कितना था, ओनली 6 pounds, लेकिन इंस्टॉलमेंट उसको पे करना रहता था 7 pounds 8 shillings 8 pence, ठीक है। तो इसको सुन के आंट जान को एब्जर्ड महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हाउ डिड जैक मैनेज टू पे 7 pounds and 8 pence आउट ऑफ 6 pounds। 6 pounds उसका सैलरी था लेकिन इंस्टॉलमेंट में उसको 7 pounds पटाना रहता था, है ना। तो उसको कैसे मैनेज करता था, तो आप लोग लिख सकते हैं, जैक एंड जिल बाय एवरीथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, हाउस कार फर्नीचर रेडियोग्राम। जैक्स सैलरी इज 6 pounds अ वीक बट द इंस्टॉलमेंट्स कम टू मोर 8 pounds। फॉर द एक्स्ट्रा 2 pounds ही विल बरो फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। और वो कहाँ से, वो 2 pounds जो एक्स्ट्रा होता था उसका, तो वो कहाँ से लेता था, उसको भी वो बरो करता था, उधारी में लेता था। कहाँ से, एक कॉरपोरेशन से जिसका नाम है थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये आपका टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि हाफ हाफ मार्क्स कंटेन करते हैं, यानी कि ये आपका 2 marks का होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बेनकिन शॉप वॉज लेट फॉर डैश क्लास। तो बेनकिन शॉप कौन सी क्लास के लिए लेट हो गया था, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर PE यानी कि फिजिकल एजुकेशन क्लास। नेक्स्ट, द एक्सक्यूज मेड बाय बेनकिन शॉप फॉर नॉट लाइनिंग अप फॉर PE वॉज। पी में लाइनिंग अप होने के लिए कौन सा उसका एक्सक्यूज था, दैट इज नो किट, ठीक है। नेक्स्ट है, बेनकिन शॉप मिस्ड द डैश टेस्ट। कौन सा टेस्ट उसका मिस हो गया था, दैट इज मैथ टेस्ट, ठीक है, मैथ्स में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है, आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर, अंडरलाइंड वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड इन द अबव सेंटेंसेस बाय अपसेटिंग, ठीक है। अपसेट मतलब क्या हो जाना है, दुखी हो जाना है। उसके लिए हम लोग नीचे में से कौन सा वर्ड को चूज कर सकते हैं, दैट इज डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग मतलब भी उदास हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड आ गया आपका ग्रामर सेक्शन से। ये भी 4 questions है, ठीक है, 4 marks का। पहला है, सी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल, चेंज इट इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हैज़ टॉट इंग्लिश वेरी वेल। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, आई गो टू मुंबई, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, दैट इज आई एम गोइंग टू मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस इम्फेटिक यूजिंग डू डज और डिड। इसमें डू डज या डिड का यूज करेंगे, देखो इसको समझो थोड़ा सा। इम्फेटिक मतलब क्या होता है, हम लोग किसका यूज करेंगे, या तो डू का, या तो डज का, या तो डिड का, ठीक है। और मेन वर्ब है गेट अप, उससे पहले हम लोगों को ये तीनों में से कोई एक को चूज करना होगा, लेकिन कौन सा चूज करेंगे, देखो ये सेंटेंस हम लोगों का प्रेजेंट में है, कौन सी टेंस में है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो हम लोगों का डिड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, बचा हमारा डू या डज, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए उसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, इट रेंड यस्टरडे, इसमें क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, इट रेंड यस्टरडे डिडंट इट, ठीक है। पास्ट टेंस है इसलिए डिड का हम लोग यूज किए हैं, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑन पैट्रियोटिज्म इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन हिंट्स। आपको हिंट्स दिया हुआ है, ये 5-6 हिंट्स दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और उसी बेसिस से उसी हिंट का यूज करके आपको पैट्रियोटिज्म के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। इसमें क्या क्या हिंट्स दिया हुआ है, डज नॉट मीन ओनली फाइटिंग एंड डाइंग, पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स नेशन, ओबे द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वेयर मास्क, हेल्प नीडी पीपल, शुड गेट वैक्सीनेटेड एंड एनकरेज अदर्स। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक पैराग्राफ लिख के बताई हूँ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हूँ, इसमें आप लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, पैट्रियोटिज्म इज द ग्रेट एंड सेल्फलेस पैशन फॉर लव फॉर वंस कंट्री। टू एन इंडियन पैट्रियोट हिज मदर एंड मदरलैंड आर सुपरियर इवन टू हेवन। एन इंडियन पैट्रियोट इज एवर रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री इंडिया। पैट्रियोटिज्म इज नॉट मेयर पैसिव लव फॉर द कंट्री, अ ट्रू पैट्रियोट हु लव्स इंडिया इज एन एक्टिव वर्कर। अ ट्रू पैट्रियोट ऑलवेज ओबेज द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन वन कैन शो हिज लव टूवर्ड्स द नेशन बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, वेयरिंग मास्क, हेल्पिंग नीडी पीपल एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड बाय एनकरेजिंग अदर्स टू बी वैक्सीनेटेड। एक्चुअली पैट्रियोटिज्म इज अ फीलिंग ऑफ ऑनेस्टी टूवर्ड्स ए नेशन। ठीक है, ऐसे करके आप लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको छोटा सा एक पोयम दिया हुआ है और नीचे में 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन पोयम को रीड करना होता है, उसका मीनिंग समझना होता है, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करना होता है। तो सबसे पहले काम रीडिंग करना है ना। सेड द डॉग टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई विश आई वुड हॉप लाइक यू, सेड द डॉग टू द कंगारू। ये डॉग और कंगारू के बीच में कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन तो नहीं बोल सकते, डॉग अपनी सोच के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द डॉग प्रेज द कंगारू। डॉग ने कंगारू को कैसे प्रेज किया, कैसे प्रशंसा की, तो उसमें लिख सकते हैं, द डॉग प्रेज्ड द वे कंगारू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू एंड सेड गुड ग्रेसियस। डॉग किसको प्रेज किया, द वे कंगारू हॉप, कंगारू जो हॉप करता है, कंगारू जो फुदकता है, उसका उसके तरीके को उसको पसंद आया है ना, उसको वो प्रेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द डॉग से अबाउट हिज लाइफ इन द पॉन्ड। डॉग ने अपना लाइफ के बारे में क्या बोलता है, द डॉग सेड दैट हिज लाइफ इज ए बोर इन द नेस्टी पॉन्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डॉग विश टू डू, डॉग ने क्या विश करती है, क्या विश करता है डॉग, द डॉग विश्ड टू हॉप लाइक द कंगारू, कंगारू जैसे वो भी काश कंगारू जैसे उस वो भी हॉप कर सकता है ना, वैसी विश था उसका। नेक्स्ट है, फाइंड द सिनोनिम वर्ड ऑफ अन इंटरेस्टिंग इन द पोयम। पोयम में अनइंटरेस्टिंग वर्ड यूज हुआ है, अनइंटरेस्टिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है, उसका सिनोनिम यूज हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, तो कौन सा वर्ड यूज हुआ है, बोर है ना, जो डॉग बोर फील होता है ना, अनइंटरेस्टिंग, उसके पॉन्ड में उसका दिल नहीं लगता, उसको अनइंटरेस्टिंग बोलेंगे। तो पोयम में जो वर्ड यूज हुआ होगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो अनइंटरेस्टिंग के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया है, बोर का। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का असाइनमेंट का सोल्यूशन वाला वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।